हिमाचल के जंगलों की सबसे बड़ी दुश्मन है चीड़ की पत्तियां। गर्मियों में ये पत्तियां जंगलों में बारूद का काम करती हैं। एक ओर जहां हमारी अनमोल प्राकृतिक वन संपदा को जलाकर तबाह कर देती हैं, वहीं जंगली जानवरों का भी विकास का कारण बनती हैं। ये पत्तियां जब एक बार आग पकड़ लेती हैं तो वे कई दिनों तक सुलगती रहती हैं। लेकिन इस बार सोलन के मही पंचायत की महिलाओं ने इन पत्तियों से पैसा बनाना आरम्भ कर दिया है और एक ऐसा इलाज ढूंढ लिया है उससे न जंगलों में आग लगेगी और न ही अरबों रुपए के जंगल आग की भेंट चढ़ेंगे। हिमाचल के जंगलों की सबसे बड़ी दुश्मन है चीड़ की पत्तियां। गर्मियों में ये पत्तियां जंगलों में बारूद का काम करती हैं। एक ओर जहां हमारी अनमोल प्राकृतिक वन संपदा को जलाकर तबाह कर देती हैं, वहीं जंगली जानवरों का भी विनाश का कारण बनती हैं। ये पत्तियां जब एक बार आग पकड़ लेती हैं तो वे कई दिनों तक सुलगती रहती हैं। दमकल कर्मचारी भी इस आग को बुझाने में कामयाब नहीं हो पाते। इन पत्तियों को विभिन्न उपयोगों में लाने के लिए कई बार कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इस बार सोलन की मही पंचायत की महिलाओं ने इन पत्तियों को पैसा बनाना आरंभ कर दिया है। कोई ऐसा इलाज ढूंढ लिया है उससे न जंगलों में आग लगेगी और न ही अरबों रुपए के जंगल आग की भेंट चढ़ेंगे। यही नहीं बल्कि महिलाओं को घर बैठे बगैर लागत से आमदनी भी होगी। माही पंचायत की महिलाओं ने कुछ अलग करने की सोची और तय किया कि वे ऐसा काम करेंगे जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित हो और उनकी आमदनी का जरिया भी बने। इस काम में हिमाचल के पर्यटन विभाग ने महिलाओं की बात को समझा और उनका मार्गदर्शन किया। महिलाओं को चीड़ की पत्तियों से बर्तन बनाने का नया आइडिया दिया, जिसमें महिलाओं ने चपाती बॉक्स, कोस्टर ट्रे, फ्रूट बकेट और अन्य सजावटी सामान बनाना आरंभ किया। महिलाओं की मदद के लिए पर्यटन विभाग ने उनका सामान अपने होटल्स में बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया और ये प्रोडक्ट लोगों को इतने पसंद आए कि हाथों हाथ बिकने लगे। आज इन उत्पादों की मांग इतनी बढ़ चुकी है कि महिलाएं बेहद खुश हैं, क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों में कच्चा माल न के बराबर लगता है। जो कच्चा माल चाहिए वे जंगलों में फ्री में मिल रहा है और जंगलों की सबसे बड़ी दुश्मन ये पत्तियां भी मही पंचायत से गायब होने लग गई हैं, जिससे जंगलों में आग लगने का डर भी खत्म हो गया है। पर्यटन विभाग के अधिकारी पीयूष ने बताया कि उनका विभाग लगातार महिलाओं को प्रशिक्षण दे रहा है और इससे महिलाएं जहां एक ओर स्वावलंबी हो रही हैं, वहीं हिमाचल की वन संपदा भी जलने से बच रही है। उन्होंने बताया कि महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद पर्यटन विभाग के होटल्स में उपलब्ध है और इनकी इतनी मांग है कि वे हाथों हाथ निकल रहे हैं। यही वजह है कि कुछ ही महीनों में महिलाओं ने 3.5 लाख के उत्पाद बेचने में कामयाबी हासिल कर ली है। इसके चलते सरकार उन्हें कई बार सम्मानित भी कर चुकी है। मेरा नाम ईशु ठाकुर है, मैं पर्यटन विभाग से हूँ। IDIPT एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसके तहत हमने माही पंचायत को चूज़ किया है और उसमें हमारा पाइन नीडल एक बढ़ चढ़ कर पूरे प्रदेश में आगे बढ़ रहा है। और पाइन, जैसे आप समझते हो कि जंगल में आग, लोगों के लिए मन में तो यही होता है कि जंगल में आग लग रही है आजकल, पर हमने इसका उसका सहयोग किया। पाइन के से हमने बहुत सारी चीज़ें बनाई, जैसे चिल्लर बॉक्स है हमारा, रोटी बॉक्स है और फ्रूट बास्केट है, डिफरेंट आइटम्स की। इसमें हमने लेडीज़ को इन्वॉल्व किया और उसके तहत जो मतलब आपका प्रदेश में पैसा कमाया उन्हें लेडीज़ में नाम हुआ माही पंचायत का। इसमें कई हमारी ऐसी लेडीज़ है जो इसको पाइन को प्रोडक्ट्स को बेच के अपने स्कूल बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं। चीड़ की पत्तियों का एक ऐसा है कि आपका ये 15 साल तक ख़राब नहीं होता है और उससे एक तो एनवायरनमेंट बच रहा है हमारा, ऊपर से लोगों की आय बढ़ रही है चीड़ की पत्तियों से। पर्यावरण को ऐसा है कि जी आप जैसे देख रहे हैं कि हर साल मतलब हिमाचल प्रदेश में इतनी आग लगती है चीड़ की वजह से, तो हमने उसको लेडीज़ को बताया है कि आप इकट्ठा करो इसको एनवायरनमेंट डे पे, चाहे आप कुछ भी एक दिन चूज़ करके, ठीक है जी, तो उससे मतलब लोगों को फ़ायदा हो रहा है, इससे जंगल भी बच रहे हैं हमारे चीड़ से, रोज़गार बढ़ रहा है इसमें, क्योंकि 3,40,000 की सेल कर दी है लेडीज़ ने और एक साल में, डेढ़ साल में आपने हमारी लेडीज़ ने, तो लेडीज़ की आय तो बढ़ ही रही है। इसकी हमने ट्रेनिंग दी थी, हमने कांगड़ा से बुलाए थे लेडीज़, तो उन्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दी है और उनका भी प्रदेश में नाम हुआ है। इस पंचायत में जब उन्हें ट्रेनिंग दी उसके बाद उनको 1 लाख का इनाम भी मिला, क्योंकि ये पूरे प्रदेश में ये एक फेमस हो गया है। अभी तक मतलब पूरे प्रदेश में हम लगभग 200 से 250 लोगों को ट्रेनिंग कर चुके हैं पाइन पे ही, जो बेसिक हैंडीक्राफ्ट है। वही महिलाओं ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी और पर्यटन विभाग ने उनका ये सपना भी पूरा कर दिया। आज वे
घर का खर्चा इन्हीं उत्पादों को बेचकर चला रही हैं और वे बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवसाय के लिए उन्हें घर से बाहर भी जाना नहीं पड़ता और घर बैठकर ही वे अपना उद्योग चला रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है कि वे हिमाचल की वन संपदा को भी बचाने का काम कर रही हैं। जब से टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास आए, हमें उन्होंने अडॉप्ट किया और आगे ट्रेनिंग वगैरह देनी शुरू की, तो उससे हमारी अपनी एक मही पंचायत की पहचान बन गई हुई है। आज हमारा नाम हर जगह है भाई, मही पंचायत के प्रोडक्ट्स जो पाइन से हम बनाते हैं वो बाहर तक जा रहे हैं, जगह जगह हम स्टॉल लगा रहे हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। मैं जो ये पाइन नीडल्स के जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे को पहले टूरिज्म वालों ने इसकी ट्रेनिंग दी है। पहले हमारे को पता नहीं था इसका, जो पाइन नीडल्स की पत्तियाँ हैं तो हमें तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में। जब हमें पता लगा तो इससे एक तो हमारा एक आजीविका मिशन जो हमारे घर बैठे कमाई होने लग गई, जिससे कि मेरे बच्चों की फ़ीस भी निकलती है और जो मैं लोन वगैरह लेती हूँ वीओ से, उसकी किस्त भी मैं इसी में से ही देती हूँ। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एसटीडी के साथ। नमस्कार।